हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। शिवानी गुजरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज, मेरे चैनल को लाइक करो, सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब करो। और आज आपको मेरे चेहरे पे कुछ खुशी नज़र आ रही होगी। तो गाइज, मेरे पास दो खबर हैं, एक बैड न्यूज़ एक गुड न्यूज़। तो आप बताओ पहले कौन सा सुनना चाहते हैं? चलो मैं ही बता देती हूँ। तो गाइज, मैं पहले आपको बताऊँगी बैड न्यूज़, फिर उसका बताऊँगा आपको गुड न्यूज़। ओके, कि बैड न्यूज़ सुनने के बाद फिर थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है, गुड न्यूज़ सुनने के बाद थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, मैं आपको बताती हूँ गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। तो गाइज, बैड न्यूज़ ऐसी है कि मेरे साथ ना बहुत, मतलब क्या बताऊँ मैं। गाइज बताएं मेरे साथ क्या हुआ। मेरे जो भी ब्लॉग थे यूट्यूब पे, मेरे सब डिलीट हो गए। मुझे नहीं पता कैसे हो गए, मेरे सारा इंच ने कर दिए या पता नहीं कैसे हो गए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मुझे कि वो ब्लॉग डिलीट कैसे हुए। तो मेरे गाइज बहुत सारे, मेरे पता कितनी वीडियो थी, 1000+ वीडियो थी, जो मेरी अब 200 कुछ वीडियो रह गई हैं। पता नहीं मेरे ब्लॉग कैसे डिलीट हुए, जो मेरे वॉचिंग टाइम जुड़ा हुआ था सारा ही डिलीट हो गया। मतलब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हो गया फिर से। और गाइज, एक साल से मेहनत कर रही थी, एक साल की मेहनत ख़त्म। और मुझे बहुत दुख है, देखो आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स की। मैं एक साल से कर रही थी, एक साल में जो भी मेरा वॉचिंग टाइम काउंट हुआ था वो मेरा सारा ही डिलीट हो चुका है। अब मैं फिर 1 से आ गई हूँ, ठीक है, 1 भी नहीं है, बिल्कुल माइनस है। तो गाइज, बस मेरे 10 से 12 व्लॉग रहे हैं, और मेरी शॉर्ट वीडियो है जो 200 कुछ है ना, वो शॉर्ट वीडियो है। और व्लॉग हद से हद 16 होंगे शायद, 12 मैंने गिने शायद, मेरे यहाँ सुनाओ कितने, 10 से प्लस है, 10 से 16 के बीच में, आपके 16 से 17 नहीं है, इतने ही मेरे व्लॉग हैं। और बाकी मेरे सारे शॉर्ट वीडियो हैं, और मेरे व्लॉग सब डिलीट हो गए गाइज। बहुत दुख है मुझे, दुख की बात है, मेरे सारे व्लॉग डिलीट हो गए, मेरा सारा वॉचिंग टाइम ख़त्म होगा अब। तो गाइज़, मुझे आपकी सपोर्ट की पहले भी ज़रूरत थी, और अब थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा जो भी जुड़ा हुआ चेहरे पर हंसी आ रही, शक्ल ही ऐसी यार, क्या करा, जो भी मेरा जुड़ा हुआ वॉचिंग टाइम था गाइज, वो मेरा सारा ही ख़त्म हो गया। तो अब मुझे फिर से वही मेहनत करनी है, और अपना ब्लॉग मैं पहले बहुत अच्छी बनाई करी, आपको पता है कितने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाई करी मैं, ब्लॉग बनाता हूँ पहले दिन से ही ना आते। और जैसी भी मैंने मेहनत करी गाइज, वो भी मेरी सब ख़त्म। तो गाइज़, आपको मुझे सपोर्ट करना है, और अब मेरे ब्लॉग ज़्यादा देखा करो, ठीक है, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही वॉच टाइम ख़त्म हो चुका है। 3-4 दिन तो मुझे बहुत सदमा सा लगा, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए कुछ भी नहीं, और आज मैं जाके ब्लॉग बना रही हूँ कि चल कोई बात ना, फिर से शुरुआत करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, ये तो मेरी बैड न्यूज़ थी, और अब मैं आपको बताती हूँ गुड न्यूज़, ठीक है। तो आपको मेरी बैड न्यूज़ में मुझे सपोर्ट करना है गाइज, आप ही के हाथ में है कि जो मेरे कुछ, मतलब जो मेरा उस टाइम माइनस हुआ है वो आप प्लस भी करवा सकते हो। तो गाइज़, आपके हाथ में है सब, ठीक है। अब मेरी गुड न्यूज़ सुनो आप, मैं आपको गुड न्यूज़ बताती हूँ कि गाइज़, आज हम जा रहे हैं घूमने, ठीक है, घूमने हम कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार। मैंने बता दिया ना, सस्पेंस बना रहे हैं, घूमने कहाँ जा रहे हैं, चलो कोई ना, घूमने जा रहे हैं हरिद्वार। तो गाइज, मैं जा रही हूँ अपने जीवन में पहली बार हरिद्वार, जब से मैं इतनी बड़ी होगी मैं अभी नहीं गई हरिद्वार, मैं पहली बार हरिद्वार जा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हरिद्वार जाने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइज, चलो मेरे ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहना, और आज सोमवार है, 3रा व्रत है शायद आज सोमवार का, और मैं बढ़ती भी हूँ, तो पर हम बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये आपको आगे पता चलेगा कि हम कौन कौन जा रहे हैं, ठीक है। और सारा काम मेरा हो चुका है, खाना पीना तो हमारा बना ही नहीं है क्योंकि हम जा रहे घूमने। और मैंने एक केतली चाय बना कर रख ली, मिल्टन वाली बोतल होती है ना वो वाले, क्योंकि हम बढ़ती हैं तो चाय तो पियेंगे, और रास्ते में तो इतने दिन से चाय मिला है उनसे, हो गया कहा हमारे, उन्हें बड़ी केतली भर के चाय बना ली। और मंदिर वंदिर में सुबह ही हुई आई, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, फिलहाल 8:30 बजे हुए हैं, सारा सा डैडी नहा रहे हैं और बाकी सब रेडी हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको अपनी बैड न्यूज़ ही बताई है, तो उसमें भी आपको मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है गाइस। और मेरे गुड न्यूज़ में भी आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे हरिद्वार गए हैं, मतलब जो भी है सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको, जो मुझसे बनेगा, ठीक है गाइस। मैं पहली बार हरिद्वार जा रही हूँ अपनी लाइफ में, ओके।
बस गाइज यही था मेरे पास, आगे मैं आपको दिखाती हूँ जैसा भी है। और गाइज मेरे ब्लॉग देखो, मुझे बहुत दुख है, सच्ची बता रही हूँ। मुझे कहना एक चीज़ को शौक हुआ है, शौक शौक में तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, फिर मेरे वर्स्ट टाइम भी अच्छा खासा जुड़ चुका था, अब मेरा सारा ही डिलीट। देखो आप तो, एक साल की मेहनत मेरी डिलीट हो गई। चलो गाइज मिलेंगे थोड़ी देर बाद, आपको मैं आगे बताती हूँ कि हम कौन कौन जा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय गाइज। नेल पेंट मेरी लगी नहीं है अभी, अब मैं लगाती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, सो गाइस हम निकल चुके हैं घर से, और यहाँ पे सारा जो अपनी दादी से लड़ रहा है कि मैं सीट पे बैठूँगा, और गुस्से में रो रहा है कि मैं बैठूँगा, आपको नहीं बैठने दूँगा यहाँ पे। और गाइस मम्मी पीछे आ गई है और वो अकेला आगे बैठा है, वो थोड़ा बदतमीज़ है, वो नहीं बच्चे होते ही ऐसे, बस किसी के नहीं मानते, तो वो भी सारा उसको ऐसा ही है, किसी के नहीं मानते। गाइस देखो इनके इंतजार में हम खड़े थे, ये आ गई। अबे सारंश को लेके जाएंगे यहाँ से, अब बंद कर दिया गाड़ी का, तो लो खोजो हम पे ना खुले, ये सारंश को लेके जाएंगे। नमस्ते, मम्मी तुम बैठ जाओ आगे, आज अंदर तो गाइस हमारे साथ हमारी बहनें भी जा रही थी, ये मेरी बहनें आपको पता ही हैं, तो ये हमने दादरी से ही ली थी, दादरी लेने गए थे हम इनको, उसके बाद हम निकले थे, और अब हम पी रहे हैं फ्रूटी। ये फ्रूटी लेके आई थी दादरी से, क्योंकि हम तीनों बहनों का ही फास्ट है आज। आज मौसम बारिश मौसम थोड़ा खराब है, क्योंकि हम लोग हम सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठे थे और हम शाम को 7 बजे पहुंचे थे, इतने लेट, और बीच में बस हम थोड़ी बहुत देर को कहीं रुके होंगे, बाकी हम रुके भी नहीं हैं, बराबर ही गाड़ी चली है, ज़्यादा देर हम कहीं रुके नहीं हैं। तो गाइस आज बहुत लंबा सफ़र तय किया था, पर सफ़र में इन्जॉय भी खूब किया था और अच्छा भी बहुत लगा था, और पर थकान हो गई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे इसलिए। और हम फिर से केला खाने लगे हैं, केला भी हमने ले रखी थी क्योंकि व्रत था तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। और हमें फिर तीनों बहन है और मम्मी और सारंश आगे बैठे हैं। तो गाइस हम बहुत ही ज़्यादा मतलब गाड़ी में बैठे बैठे पक से गए, अगर हम बहुत ही ज़्यादा परेशान से मतलब थक गए, शुरू में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन लास्ट में फिर हम थक से ही गए, क्योंकि कहीं रुके भी नहीं, गाड़ी बराबर चली, थोड़ी बहुत देर ही रुके थे, कहीं रुके थे तो। और गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और गाइस रास्ते में बारिश होने लगी, बारिश भी खूब ही हुई थी आगे, पता नहीं मुझे तो ये कहाँ पे हुई थी, पर हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से। और अब हम जा ही रहे हैं, और गाइस प्लान तो हमारा हरिद्वार का था लेकिन हम पहुंच वहाँ गए मसूरी, उन्हें अपने घर से हम हरिद्वार के लिए गए थे कि हरिद्वार जाएंगे और आगे फिर हम मसूरी पहुंच गए, हमें कोई प्लान ही नहीं था कि हम मसूरी भी जाने वाले हैं, बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि हम मसूरी भी जाएंगे, बस पहुंच ही गए मसूरी। और मसूरी भी बहुत अच्छा, पहली बार गए थे हम तो, पर बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, एकदम ठंडा इलाका था, बहुत अच्छा था। तो गाइस हमने सबने बहुत एंजॉय किया था,
और सबसे ज़्यादा इन्जॉय सारांश ने किया था, सबकी गोदी में रहना और अपने मनचाही करना। आज जाके मन की ना करें तो फिर रोने लग जाओगे, तो इसलिए। और गाइस मनाली मंसूरी में तो पहाड़ ही पहाड़ थे, और मतलब मेरे को तो डर भी लग रहा था। हम हरिद्वार से निकलते हुए जा रहे हैं गाइस, ये हरिद्वार का व्यू है, हरिद्वार से निकल रहे हैं हम। और वो ऊपर दिख रहा है ना आपको छोटी पे, वो मनसा देवी का मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है वो। फिर हम हरिद्वार आते हुए आए थे, पहले हम मंसूरी चले गए थे, अब मंसूरी ही जा रहे हैं। तो गाइस मंसूरी में इतने पहाड़ थे और मतलब डर इतना लगे है कि बहुत ही ज़्यादा, मेरे तो मेरी समझ में आती कि पहाड़न पे लोग रह कैसे हैं। देखो हम बहुत ऊंचाई पे चल रहे हैं और ये बहुत नीचे घर हैं, नीचे को देखने में डर सा लगा कि हम इतने ऊंचे पे चल रहे हैं। देखो हम ऊंचे पे चल रहे हैं, नीचे पे घर है और हमसे ऊँचे पे भी घर है। देखो जैसे ये है, ये रे गाइस बहुत डर है, मैं तो हाथ जोड़ते गई बाबा के, पहली बार गई मैं। डर पता है, एक जगह तो पत्थर भी गिरा पड़ा है, तो आधी सड़क टूटी ही पड़ी, पत्थर गिर गया आधी सड़क टूटी पड़ी। कितनी दूर होता हूँ मतलब काफ़ी दूर तक टूटी ही पड़ी आधी सड़क, वहाँ पर कम चल रहा है। जब वो चीज़ देखी तो फिर रोज़ डर लगे कि पत्थर खिसक जावे और एक गिर जावे, पर चलो डरते डराते हम पहुँच ही गए मंसूरी और घूम ही आए। देखो ये चीज़ है जो जहाँ ये घास सी नहीं ना, यहाँ सेम यहीं टूटा पड़ा है, यहाँ घास नहीं, बहुत दूर तक ऐसे ही टूटा पड़ा है रोड, जैसे सारे में घास घास सी है, वो घास में वो टूटा पड़ा। हाय गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, और देखो यहाँ पे बहुत सम बहुत ही ठंडा वाला है गाइस। देखो अभी जस्ट हम पहुँचे हैं गाइस, जस्ट अभी पहुँचे हैं हम। ये अपनी स्नैप बना रही है, फोन करें भाई साहब में कल है। और देखो गाइस हम अभी पहुँचे हैं, अब हम होटल ढूंढ रहे हैं, देखो कहाँ पे रुकते हैं। ठीक है गाइस देखते हैं, फिर गलती तो बैठी ना मिले ना, हमारी गाड़ी की लाइट जली रहेगी गलती से, वो चलेगी होटल देखने के लिए। ठंड लग रही है गाइस, ठंड लग रही है इसे देखो। चार दिन पहले न्यू रो रही लाइट ना रही, गर्मी मर के नींद ना रही, ठंड लग रही है। हमारे मम्मी जो कह रही है सॉल ना लेकर आइए, सॉल लेना ही हो गया। आप क्या कहना चाहोगी, हमारे में ठंड बहुत होगी। चलो गाइस दिखते हैं हम थोड़ी देर में। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस मम्मी के लिए। तो गाइस अब हमने रूम ले लिया है, अब हम होटल में जा रहे हैं। और यहाँ पे होटल भी बहुत अच्छा था, रूम भी बहुत अच्छा था, यहाँ का एकदम बढ़िया रूम था। देखो ये रूम है, ये शीशा लगा हुआ था ऐसे के अंदर। और गाइस देखो ये डबल बेड है, एक साइड में सिंगल बेड था, टीवी था, मतलब बहुत अच्छा रूम था, बिल्कुल बढ़िया सा। और हम दोनों बहन यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे सारांश और सारांश की दादी बातें कर रहे हैं। और गाइस देखो ये बाहर का है नज़ारा, देखो कितने ऊंचे ऊंचे पे घर है। देखो मतलब मुझे तो यही चीज़ समझ में नहीं आई कि इतने ऊंचे पे का आदमी कैसे रहे। आपको पता ही है हम सुबह के चले हुए अपने घर से, और सुबह से अब मेरा व्रत है, और आज हम व्रत मीठे से नहीं खोलेंगे, क्योंकि गाइस सुबह से ही सिर में दर्द हो रहा है गाड़ी में बैठे बैठे। और आज हम कुछ मतलब सब्जी वगैरह ही खाएंगे। हाँ तो गाइस आज हम व्रत में नमक का ही खाएंगे, क्योंकि हमारे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है, हम खाने के लिए मंगवाने वाले हैं, खाने के लिए मंगवाने, उसके बाद खा पी के फिर देखते क्या होता है। ओके गाइस आज हम मीठा नहीं खाएंगे कुछ भी, आज हम नमक का खाएंगे, बोले बाबा से हाथ जोड़ लेंगे कि बाबा
जो भी है माफ़ करिए, बस आज के माफ़ी। ये दोनों बहन तो नमक का ही खाती हैं, मैं मीठा करती हूँ तो आज मैं भी नमक का ही खाती हूँ। चलो गाइज मिलेंगे थोड़ी देर में, व्यू देखो कितना बेस्ट है। और गाइज यहाँ पे सारांश और हम सब बैठे हैं। देखो सारांश की उतापंती चल रही है। और गाइज हम तीनों बहनों का बर्थ था और तीनों बहनों का बर्थ हमारा। बस ये तो फिर भी नमक का खा लेते, पर मैं नहीं खाती थी तो मैंने भी नमक का खाया, क्योंकि पूरे दिन गाड़ी में रहे थे तो गाइज हम थक से गए थे, बैठे 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 थक गए थे हम, तो फिर हमने भी नमक का खाया और कंटिन्यू गाड़ी में बैठे रहे। तो देखो फ़र्क तो होता ही है। सारांश के फुल मजे आए थे, सबसे ज़्यादा मज़े इसी ने लिए थे। देखो अपनी मौसी को कैसे लड़ रहा है, पूरे पूरे मज़े लिए सारांश ने। और हम सब के भी खूब मज़े आए थे, हम सब भी बहुत अच्छा लगा घूम के। किस प्लान था हरिद्वार कर पहुँच मंसूरी गए, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। मम्मी तो जाते हैं रजाई ले ली, देखो कमरे में बैठे आराम से, ठंड लग रही है मम्मी। सो गाइस हमने खाना खा लिया है और खाने में हमने बिना लहसुन प्याज के खाया है और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम घूमने जाएंगे। ठीक है।